कोई बात नहीं, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती देगा, टेंशन नहीं लेते। आप नाश्ता तो करें ना, अपना यार परांठा बस खत्म सुपर करें डाल फिर। गया। ये चेक करें, ये जब वो ना मैंने ऑयल डाला तो ऐसे ऐसे फुड़क फुड़क के बाहर आया वो। बाद में बताती हूँ, अभी मैं उठी हूँ, अभी सैरी शैरी बनाते हैं। उसामा गए हुए हैं हॉस्पिटल क्योंकि पापा की तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई है, उनको लेके हॉस्पिटल गए हैं। अभी वो आते हैं, फिर मैं सैरी बनाती हूँ। और मूसा यहाँ पे सो रहा है और इसने आज मुझे बहुत तंग किया है, ठीक है। और कायनात की तबीयत पहले से बेहतर है, काफी बेहतर है। और आप सब लोग मामा के लिए दुआएं कर रहे हो, थैंक यू सो मच। और गाइज अब उसामा आते हैं तो मैं सारी बना के उनको देती हूँ और फिर चलते हैं हॉस्पिटल, आपको भी मिलवाते हैं पापा से कि उनकी तबीयत कैसी है। वहाँ पे सारी मैंने बना दी है तो अभी उसामा, उसामा नाश्ता क्यों नहीं कर रहे, नाश्ता तो कर ले यार। बस यार भूख ही बस मर गई है यार। कोई बात नहीं, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती देगा, टेंशन नहीं लेते। आप नाश्ता तो करें ना, अपना यार परांठा बस खत्म करें पता फिर नहीं चल। शायद आजमाइशें हैं कुछ अल्लाह कोई की बात तरफ नहीं, से। पहले 2-3 हफ्ते हो गया, वालदा अभी तक ठीक नहीं हो रही और आज वालिद साहब भी इतने सख्त बीमार हो गए हैं यार सारे। बस यार आपसे रिक्वेस्ट है, दुआ करिएगा। सो गाइस आप सब पापा के लिए दुआ करें। तो अभी हम जाके देखते हैं उनको, ठीक है, और आपसे भी फिर मिलवाते हैं। शायद मैं जाऊं या ना जाऊं क्योंकि बच्चे घर हैं तो मुझे शायद घर पे ही रहना पड़े। तो उसामा जाएंगे फिर इनसे तबीयत का पूछ लेंगे। और आप सब लोग प्लीज दुआ करें, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। गाइस फाइनली मैं घर आ चुका हूँ और अल्लाह के फजलो करम से टेस्ट वगैरह ठीक आए हैं। लेकिन बस ना थोड़ा सा मतलब चेस्ट का काफ़ी ज़्यादा मसला है और आपको पता ही, इस एज में स्मोकिंग वगैरह भी नहीं इतनी अच्छी होती। तो वाले साहब स्मोकिंग वगैरह भी करते हैं, छोड़ते हुए हैं नहीं। तो बस सैरी का टाइम है सारे इस रमज़ान में। यार मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ करिएगा कि मेरी वालदा को भी और मेरे वाले साहब को भी अल्लाह लंबी ज़िंदगी दे और हमारे सर पे रहे। और बस यार आप लोग समझ सकते हैं कि पेरेंट्स को जब तकलीफ़ होती है तो औलाद को तो फिर टेंशन होती होती है। तो मैं घर आया था और घर आके मैंने देखा कि मेरी बीवी सो गई है, मेरे बच्चे भी सो गए हैं। आप लोग देख सकते हैं, कायनात के काम चेक करें और बूसा के देखें मैं इधर किधर सोऊं। ये देखें इनकी मदर, ओए सो रही हो यार। दुआ कर देना यार मुकद्दस, नमाज पढ़ के यार ना। वो किसी ने बोला था ना बेड इस तरफ क्यों हुआ, तो उनको बता देना क्यों हुआ यार ऐसे। मैं कह रहा हूँ दुआ कर दो यार प्लीज़, दुआ आपको तो मैं बेड की पड़ी करती हुई हूँ है, ना। ठीक है। सो गाइस यार प्लीज़ यार आप लोग सारे दुआ करिएगा, अभी मैं सोने लगा हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका बता हूँ। और आपको यार मैं रात को बता दूंगा बेड इस तरह क्यों है। नहीं यार मैं बंदे को बताऊंगी इतनी यार आगे। आगे टेंशन है, आपको बेड की पड़ी हुई है। हाँ यार जगह हमारी इधर कमरे में थोड़ी है, इस वजह से यार हमने बेड इस तरफ रखा हुआ है। और वैसे भी बेड को इस तरफ पता क्यों रखा मैंने, क्योंकि यार ये जो मेरे बच्चे हैं ना यार ये गिर जाते हैं, मतलब इस तरफ से मैं इधर लेटा होता हूँ ना और मूसा और कायनात इधर दरमियान में होते हैं, तो इधर से मैंने लॉक किया होता है, इधर से मुकद्दस ने लॉक किया होता है और दरमियान में होता है। अगर वो उठे इसको पता चल जाता है, अगर ये उठे तो वो मेरी तरफ आता है, मुझे पता चल जाता है, मैं इसको पकड़ के ऐसे रख देता हूँ, ठीक है। तो यार गाइस सिर्फ यही रीज़न है, नहीं तो हम बेड को इस तरफ भी रख सकते हैं, कोई कमरा छोटा नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ मैंने आपसे ऐवी मारी है। तो बाकी गाइस अभी मैं सोने लगा हूँ, मेरी आँखें आप लोग देख सकते हैं, तो शाम को मिलते हैं उठ के दोपहर को इंशाल्लाह। अभी उठ चुके हैं, आपको पता है हमने सहरी में आप लोग को बताया था कि पापा की तबीयत थोड़ी सी खराब हो चुकी थी, तो अभी वो माशाल्लाह काफी ज्यादा बेहतर है। अल्लाह ताला आपको, अल्लाह ताला आप खैरी उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, आमीन। और गाइज अभी मैं उठी हूँ, अभी ये चेक करें, इसके काम चेक करें। ये बच्ची जान बूझ के बार बार फीडर नीचे फेंकती है ताकि मैं बार बार उठाऊं। और इसका मुंह देखें, ये अभी अभी उठी है, अभी अभी बस ये चेक करें, ये क्या लगाया, मुंह नहीं धोया आपने, मुंह नहीं धोया, ये देखा ये बार बार नीचे फेंक देती है। और गाइस ये देखे इसने क्या पहना है आज, चेक करें जरा, खड़ी हो कहीं खड़ी हो। सो गाइस आप लोग सोच रहे थे कि शायद हमारा झगड़ा हो गया इसीलिए हम व्लॉग नहीं बना रहे, तो ऐसी कोई बात नहीं थी। हम सोच रहे थे कि किस पे व्लॉग बनाए, किस चीज पे व्लॉग बनाए, क्योंकि सारी अफतारी दिखा दिखा के हम लोग थक चुके थे। तो आज हमारी अफतारी इतनी कोई खास नहीं है, ठीक है। बस मैं सोच रही हूँ कि मैं चिकन पकोड़ा बना लेती हूँ, साथ में आज जामे श्री बनाऊंगी, दूसरा नहीं बनाऊंगी। और उसके बाद भाई से समोसे मंगवा लेते हैं। तो
तो उसामा से मिलते हैं जब वो आते हैं, मूसा भी आता है, फिर आपको मैं दिखाती हूँ। सो पिछले व्लॉगों में आप लोगों ने बहुत प्यार दिया यार, ऐसे ही प्यार देते रहो ताकि हम मोटिवेट हों और हम व्लॉग बनाते रहें बाकियों की तरह, बाकी यूट्यूबर्स की तरह। हमारा भी अच्छा नाम हो जाए यूट्यूब पे, और ये सब कुछ सिर्फ आपकी वजह से हो सकता है, बस आप लोगों की वजह से। आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज व्लॉग देखा करो। तो आए अब मैं चिकन निकालती हूँ, फिर मैं आपसे रेसिपी शेयर कर देती हूँ पकोड़े, चिकन पकोड़े। गाइस मैं अभी किचन में आई हूँ, तो किचन के हालात थोड़े से खराब हैं, वो इसलिए क्योंकि मैं जो है ना सैरी करने के बाद फौरन नमाज पढ़ी और सो गई थी, तो किचन मैंने साफ नहीं किया। और वैसे भी वो आती है ना काम वाली, तो वो करती है और इतना ज्यादा काम नहीं होता यार। बाकी ये है कि अभी किचन की हालत चेक कर ली है, देखें। तो अब मैं सोच रही हूँ कुछ कुछ क्लीन कर देती हूँ। और सबसे पहले जब मैं उठती हूँ ना, आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ सबसे पहला काम मेरा क्या होता है। जब मैं उठती हूँ सबसे पहले मैं बच्चों के पैम्पर चेंज करती हूँ, उसके बाद मैं बच्चों के फीडर धोती हूँ, उसके बाद मैं कायनात का पानी गर्म करके रखती हूँ पास, ठंडा गर्म मैंने रखा होता है, ठंडा गर्म बोतल में होता है, ठंडा मेरे पास होता है। फिर मैं जब भी दूध बनाना हो इजी हो जाता है, साइड टेबल पे पड़ी होती है हर चीज। और सबसे मेरे मेन काम ये होते हैं सबसे पहले, जो कि मैं व्लॉग में नहीं दिखाती, ये काम होते हैं मेरे उठ के करने वाले। और हमने ये देखे फ्रिज इधर कर ली है, ये स्पेस हमारी, ये जगह हमारी खाली होगी, आप लोग बताएं इधर क्या रखना चाहिए। और ये स्विच हम लोगों ने ठीक करवा लिए थे। और बाकी ये है कि चले मैं फीडर शीडर धो लूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। और साथ में मैं चिकन निकाल के भाई रख लूँ ताकि वो थोड़ा वो क्या कहते हैं मेल्ट हो जाए थोड़ा सा। गाइस चिकन यहाँ पे मेल्ट हो चुका है, अभी मैं आप लोग को दिखाती हूँ। मैं अभी चिकन के छोटे छोटे पीस करने लगी हूँ, ये चेक करें ज़रा, ये मैं अभी इसके ये पीस बड़े हैं, ये मैं इस पर रख के अभी छोटे छोटे पीस करूँगी, मतलब पकौड़ा टाइप इतने इतने पीस होंगे, ठीक है। तो अभी ये बहुत बड़ा पीस है, ठीक है, ये देखें ना, ये बहुत बड़ा पीस है, देख रहे हैं। तो इनको मैं अभी काटती हूँ, फिर मैं इनको मैरिनेशन करती हूँ, मैरिनेशन में बताऊँगी मैंने क्या क्या किया है। और फिर मैं अभी वो सफीरा भी आ चुकी है, अभी वो काम शाम कर लेती है, यहाँ से बर्तन क्लीन कर देती है क्योंकि वो बाकी सफाई करने लग गई है। तो मैं आप लोगों को बताऊँगी इसमें मैंने क्या, इसमें मैंने एग डालना है, मैदा डालना है, उसके बाद स्पाइसेस डालनी है, मतलब कि आपने जो जो चिली फ्लेक्स जो जो आपने डालना हुआ ना वो आप डाल सकते हैं, मतलब लहसुन अदरक का पेस्ट ना भूलिएगा, वो तो मस्ट है यार हर रेसिपी में। तो उसके बाद ये है कि फिर इसको आपने आधे घंटे के लिए या 15-20 मिनट के लिए फ्रिज में रख देना है, फिर उसके बाद आप इनको 8-9 मिनट के लिए फ्राई कर लें मीडियम आंच पे, और उसके बाद फिर आप खाएं और इंजॉय करें। और ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा जिसने ट्राई किया हो कितना मज़ेदार बनता है यार चिकन पकौड़ा। गाइस यहाँ पे हमारी जो है समोसियाँ और समोसे आ चुके हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये अभी मैंने इनको बंद ही रखा है, मैंने कहा कि ये ठंडे ना हो क्योंकि अब तारी के टाइम अक्सर ये ठंडे हो जाते हैं। तो गाइज अभी ग्लास रखे हैं और जामिश्री भी मैंने बना ली है, और अभी मैं चिकन पकौड़ा फ्राई करने लगी हूँ क्योंकि अब मेरे पास थोड़ा सा चिकन पड़ा हुआ था, मैंने सोचा बना लेती हूँ कुछ ना कुछ ना, तो इसलिए मैंने ये वो बना दिया। सो गाइज अब मैं कैमरा ऐसे 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 नहीं हिलाती, अब मैं स्टिल एक जगह पे कैमरा रखा हुआ है सिर्फ आप लोगों के कहने पर, वैसे भी रखना चाहिए यार। और मूसा वो चेक करें, मूसा जा रहा है, मूसा हेलो करो, हेलो करो, हेलो करो, हेलो करो, माशाल्लाह क्या बात है, क्या हुआ, हेलो करो, हेलो तो करो ना। सो गाइज इसने बोला था कि मेरे डॉगी को भी पैम्पर लगाए, इसको भी पैम्पर चेंज कराया, तो इसने बोला मेरे डॉगी को पैम्पर लगाए, तो हमने कहा ठीक है भाई आपकी कोई बात हम लोग टाल सकते हैं, तो इसलिए इसने अपने डॉगी को पैम्पर लगवा लिया। बाय बाय बोल दो, बोलो कि आपको एक चीज दिखाती हूँ, चेक करें ना मेरी बेटी ने क्या पहना है, वाव वाव कितनी प्यारी लग रही है, ये जैसे ये कार्टून करते हैं ना सेम वैसे ही खड़ी होके लगी रहती है पूरे बेड पे। लेकिन इसको इतना पता है कि मैंने यहाँ पे नहीं आना, मैं क्योंकि एक दो दफा गिरी है इधर से और उधर से, और ये इधर और उधर नहीं आती, अब इसको पता है इधर से गिर जाऊंगी और चोट लगेगी। और मेरी प्यारी बेटी को नीनो आई है कई, नीनो आई है आपको, प्यारी बेटी को नीनो आई है, मुझे लगता है इसको अब नींद आई हुई है। कायनात सब कहते हैं आपकी बेटी बड़ी प्यारी है माशाल्लाह, मैंने कहा माशाल्लाह माशाल्लाह बोले माशाल्लाह। कायनात
ये अब बड़ा तंग कर रही है, इसने दांत रखे हुए हैं इसलिए बहुत तंग करती है इस टाइम ना, ये गुस्सा करती है पीछे को, मतलब अपना सर पीछे को ले जाती है। सो गाइस अभी मैंने ना आए, मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने ये देखें इसमें डाल दिए हैं पकोड़े और इनको अच्छा सा बस कलर आ जाए फिर मैं निकाल लेती हूँ। और बाकी मैरिनेशन जो की होती है वो स्मेल वगैरह हर चीज़ ख़त्म कर देती है और बड़े अच्छे मज़ेदार से पकौड़े बनते हैं। सांबा को इतनी आवाज़ें दी हैं, वो नहीं आ रहे, नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं है, इफ्तारी का तो टाइम होने वाला है, मेरा हाथ आगे आ गया, ये है आपको पता ही है, आज हमारी थोड़ी छोटी छोटी गरीबों वाली नहीं है, ये भी अमीर लोग करते हैं इफ्तारी। तो गाइज इतना कुछ नहीं खाया जाता यार, मैंने दो तीन दिन बनाया ना तो कुछ चीज़ें वेस्ट होती गई हैं, इसलिए मैंने कहा चलो छोड़ो इतना खाया ही नहीं जाता तो बनाने का क्या फ़ायदा, बाद में बंदा कोई हांडी शांडी बना लेता साथ में, मतलब खा लेता रोटी छोटी ना, मैं तो कसहरी तक खाती ही रहती हूँ कुछ ना कुछ ना, फ्रिज में रखा होता है, हर कभी खरबूजा स्ट्रॉबेरी जो दिल करे खाती रहती हूँ इफ्तारी सहरी तक। तो अभी रोज़े का टाइम होने वाला, ये जामेश्री है बनाया मैंने, तो ये यहाँ पे समोसे, और अभी रोज़ा खोल के फिर आपसे मिलती हूँ मैं। शुक्र है गाइस जिस बंदे का इंतज़ार था, वो बंदा इफ्तारी के टाइम तो नहीं आया लेकिन अभी आ चुका है, आपको मिलवाते हैं वो खूबसूरत सी हस्ती से जिनका आप सबको इतना बेसब्री से इंतज़ार था। आज मैं आपको क्या बताऊँ, इतने आप लोग कह रहे थे कि किधर है किधर है किधर है किधर है, वो हस्ती हमारे सामने आ चुकी है, मिले जी सामा भली के साथ। कितना ज्यादा मेरे बाजू पे गिरा है, तो ये टूथपेस्ट ही है क्लोज अप, और बस ठीक ठाक है। वो भी चेक करें ना, मैंने छोटी छोटी समोसियाँ बनाई हैं जो ये उस घर से आए हैं, चिकन पकोड़ा और वो मैंने बनाया उधर से, वो प्लेट तो इधर करें, क्या वो वाली प्लेट कल का व्लॉग होम टूर क्या। फाइनली गाइस कल का व्लॉग आप लोगों ने वॉच करना है, मिस नहीं करना, इसके बाद का व्लॉग इंशाल्लाह होम टूर का टोटली हम लोग दे देंगे, कुछ चीज़ें ऊपर की रहती हैं लेकिन वो कोई बात नहीं आपको बता देंगे, जो जो चीज़ें रहती हैं वो करने के बाद भी फिर हम दोबारा दे देंगे, मतलब दो चार महीनों बाद होम टूर दोबारा दे देंगे, अभी आप लोगों को कल इंशाल्लाह होम टूर मिलेगा। और गाइज इस चीज़ का आपको वेट था बेसब्री से, ये चीज़ आज पूरी होने वाली है, आप लोगों ने देखा ना ना, जिस जिस बंदे ने देखा ना, शेयर ना किया, लाइक ना किया, फिर मैं उनसे पूछूंगी। तो गाइज अभी हाथ जल के आप सब लोग मेरे लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह मुझे तंदुरुस्ती रखे ताकि मैं इनको बना के खिलाऊं और ये खाएं, आमीन। अगर मैं ना हूं तो इनकी जिंदगी कहाँ चल सकती है।